वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन ऐलान ए जुर्म के तहत जनपद के वाहन चोर लुटेरों के घर जाकर पुलिस डुगडुगी पिटवाकर अपराधियों के आपराधिक इतिहास का ऐलान करते हुए लोगों को इनसे सचेत करेगी तथा इनकी गतिविधियों के बारे में पुलिस का सहयोग करने हेतु जागरूक भी करेगी, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा। जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन ऐलान ए जुर्म चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो वाहन चोर लुटेरे नकबजन इत्यादि हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और पुलिस द्वारा उनके घर पर जाकर उनके पूर्व आपराधिक इतिहास और उनके पूर्व के जो कुकृत्य हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है, ऐलान किया जा रहा है सार्वजनिक रूप से। मकसद यह है कि जो अपराधी के पड़ोसी हैं, जो परिवारजन हैं, वो भी उसकी हरकतों से वाकिफ हों, किस प्रकार वो समाज में आपराधिक कृत्य का कारित कर रहा है इसकी जानकारी उनको मिले और वो सावधान रहें ऐसे अपराधियों से। साथ ही साथ ऐसे लोग जो उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, मोहल्ले या गांव के उसके साथी हैं, वो पुलिस को जानकारी दे सके, उनको हौसला अफजाई के लिए पुलिस गांव में जा रही है, मोहल्लों में जा रही है और जगह जगह जाकर नगाड़े बजाते हुए उनके आपराधिक इतिहास का ऐलान किया जा रहा है। जिन लोगों का स्थानीय लेवल पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, जो गांव के लोग हैं जिन्हें पता नहीं था कि उनके बीच में ऐसे अपराधी रह रहे हैं वो भी सचेत हो रहे हैं, और जिनको पता था कि पूर्व से कि अपराधी रह रहे हैं वो भी अपनी गोपनीय रूप से सूचनाएं पुलिस को दे रहे हैं अपराधी की गतिविधियों के बारे में। तो इसका रेस्पॉन्स पब्लिक में काफ़ी अच्छा आया है। इस पूरे अभियान में थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी स्वयं भी जा रहे हैं क्षेत्र में और ऐसा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इससे जो अपराधी हैं उनका मॉरल डाउन होगा और उनके जो सहयोगी हैं उनको भी पुलिस का भय व्याप्त होगा कि पुलिस उनके खिलाफ भी कार्यवाही कर सकती है। तो इसका अच्छा असर हुआ है, अभी तक इसमें एक दिन में 150 ऐसे जो गांव और मोहल्ले हैं उनको चिन्हित कर पुलिस गई है, 150 अपराधियों के खिलाफ ऐलान किया गया है और लगातार ये अभियान पुलिस का जारी रहेगा, जिसमें कि आने वाले समय में और भी कार्यवाही की जाएगी।